सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग के जे सीरीज़ के बारे में। तो अगर आप सैमसंग जे सीरीज़ 2018 का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली कुछ लीक्स निकल के सामने आना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग रिसेंटली में लॉन्च किया था सैमसंग A8 और A8 Plus 2018 वेरियंट के नाम से, जो कि था A5 और A7। तो यहाँ नया लीक निकल के सामने आ रहा है कि सैमसंग लॉन्च करने वाला है J8 2018। जी हाँ, J8 2018। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सबसे पहले कि क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है गीक वेज में। और यहाँ पर तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 16:9 एक्सपेक्टेशन के साथ ही आएगा, तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा 4 GB का रैम और एंड्रॉयड का ऑडियो देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक निकल के सामने आ रहा है। और मैं बता दूं कि इसमें आपको मिलेगा एक्जिनोस का 7885 चिपसेट, जो कि आपको सैमसंग के A8 और A8 Plus में देखने को मिलता है। तो वो चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग के J8 2018 के वेरियंट में। 13 MP इसमें आपको रियर कैमरा और 8 MP इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। 5.5 इंच का HD, मतलब HD स्क्रीन देखने को मिलेगा, ना कि फुल HD, जो कि 16:9 एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा 720x1280 पिक्सल के साथ। इस फोन में मुझे एक हाईलाइट फीचर्स ये लगी, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एक्जिनोस का 7885 चिपसेट, जो कि सैमसंग के A सीरीज़ में इस्तेमाल किया गया है A8 और A8 Plus में। तो वो चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और 32 GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है। आप लोगों को याद ही होगा कि जो A8 और A8 Plus आया है वो एंड्रॉयड नोगट के साथ आया है, उसमें भी आपको एंड्रॉयड ओरियो देखने को नहीं मिलता। एंड्रॉयड ओरियो आपको S9 और नोट 9 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंड्रॉयड ऑडियो देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी तक ये तो बस लीक निकल के सामने आ रही है, अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन लीक काफ़ी अच्छी निकल के सामने आ रही है। फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको होम बटन में देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें आपको 16:9 एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा। अगर यही अगर आप 18:9 एक्सपेक्टेशन के साथ आता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले या फिर नॉर्मल डिस्प्ले। मुझे तो 2018 में मैं अगर कोई भी फ़ोन बाय करूँगा तो इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ ही बाय करूँगा, मतलब 18:9 एक्सपेक्टेशन वाला डिस्प्ले ही बाय करूँगा। तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला अगर फ़ोन लॉन्च करता है सैमसंग के। एक अच्छा प्रोसेसर है एक्जिनोस का 7885, जो कि स्नैपड्रैगन 630 से भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के चैनल पर पहुँच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।